साथियों, जैसा कि आज आप जानते हैं, आज हमने धान जो कि एक भारत की सबसे प्रमुख फसल है, जो काफी बड़े इलाके में ली जाती है, जिसमें कि मध्य प्रदेश में ही करीब 35 लाख हेक्टेयर धान का क्षेत्रफल का लक्ष्य रखा गया है इस साल। और इसी फसल की गुणवत्ता पर, इसके उत्पादन के लिए आज ये कृषक जगत का किसान सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें आज प्रमुख रूप से हमारे साथ आरएम फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड के श्री चौहान साहब, जो कि हेड हैं स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के, आपका बहुत बहुत स्वागत है चौहान साहब। और साथ ही प्रमोद थैंक यू गुप्ता सर जी जी। भी जुड़े हुए हैं, जो कि महाप्रबंधक हैं। और हमारे आज के चीफ एग्रोनॉमिस्ट प्रमोद पांडे जी, जो आज अपना पीपीटी के माध्यम से आप सभी को प्रेजेंटेशन देंगे और सारी चर्चा करेंगे। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि मैं बता रहा था कि धान एक हमारी बड़ी प्रमुख फसल है, अगर इसमें हम पोषक तत्वों का प्रबंधन का ध्यान रखें तो ना केवल केवल उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है, और साथ ही हम उसकी गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दे सकते हैं। और इसी पोषक प्रबंधन के तहत इसमें जो बीमारियां लगती हैं, जो इल्लियों का प्रकोप, कीड़ों का प्रकोप होता है, वो कम से कम हो सकता है। तो आइए, आज हम सीधे जानते हैं पहले चौहान साहब से, जो अपना परिचय देंगे, आपके इस संस्था आरएम फॉस्फेट एंड केमिकल्स के बारे में आपको बताएंगे। तो चौहान साहब, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप हमारे सभी साथियों से रूबरू हो। इस समय हम फेसबुक लाइव पर भी लाइव हैं और हमारे जूम मीटिंग में भी हमारे काफी साथी जुड़ चुके हैं। जी चौहान साहब। थैंक यू सचिन जी। आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी कृषक भाइयों, डीलर्स बंधुओं, कंपनी के अधिकारीगण, कृषक जगत से सचिन जी और उनकी टीम, मेरा आप सभी को नमस्कार और यथा योग्य अभिवादन। इस समय जबकि मानसून की वर्षा करीब करीब देश के सभी कोनों में दस्तक दे चुकी है और मुझे लगता है सभी किसान भाई अब अपने अपने खेतों में विभिन्न गतिविधियों में, एक्टिविटीज में व्यस्त होंगे। कोई अपना खेत तैयार कर रहे होंगे, कोई बुआई में लगे होंगे और कोई जो जल्दी ही बुआई कर चुके हैं तो वो अपने निराई गुड़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसे आज का जो कार्यक्रम है, जो वेबिनार है आज का, वो धान की फसल के ऊपर है और धान की फसल में क्या-क्या हम लोग करते हैं और क्या-क्या हम कर सकते हैं, इसके बारे में आपको एक विस्तार से डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको शेयर करना चाहूँ। हमारे देश में जो धान की कुल जो कल्टीवेशन होता है वो करीब 46 मिलियन हेक्टेयर में होता है, यानी 460 लाख हेक्टेयर में धान की फसल होती है। और देश का 60% पॉपुलेशन, वो उसका जो स्टेपल फूड है, उसका जो मूल भोजन है, वो राइस या धान से ही आता है। लेकिन जो मैं इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर हम विश्व का जो एवरेज उत्पादन है उसकी बात करें तो वो करीब करीब 19 साढ़े 19 क्विंटल के आसपास है, 19.2 एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो। और हाईएस्ट ईल्ड अगर मैं बात करूं जो चाइना से आती है वो करीब 27 क्विंटल। बट हमारा जो हमारे कंट्री में अभी इसकी उत्पादन है वो 11.2 क्विंटल पर हेक्टेयर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा स्कोप हमारे सामने है। किस लेवल पे गलतियां हो रही हैं, किस लेवल पे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग विस्तार से आज बात करेंगे और हमारे किसान भाई जो है इसको ठीक से मतलब जानकारी को ग्रहण करें और इस्तेमाल करें। क्योंकि आपने देख लिया है कि अगर मैं मैक्सिमम की बात करूँ 27 क्विंटल और इंडिया का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 11 क्विंटल पर एकड़ का है, इसका मतलब हमें अभी 2 गुने से भी ज़्यादा आगे निकलने का स्कोप हमारे सामने। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज का जो वेबिनार है, जिस कंपनी ने ये आयोजित किया है, उस कंपनी का अपना क्या व्यवसाय है, वो फार्मर्स से किस तरह से कनेक्टेड है, फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसमें किस तरह का योगदान करती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। कंपनी आरएम फॉस्फेट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो महावीरा ब्रांड के नाम से विभिन्न उत्पाद आपके बीच में ला के देती है, आपके बीच में सप्लाई करती है, वो आरएम ग्रुप की एक कंपनी है। आरएम ग्रुप एक बहुत अच्छा
अगर व्यवसाय की बात करूं तो करीब 120 साल से इस व्यवसाय में है, बट अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो करीब 27-28 सालों से आरएम ग्रुप हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ B2B के बिजनेस में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी 28 साल से एक हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी के साथ व्यवसाय कर रही है लगातार, तो उनके अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हो। हमारे ग्रुप के जो कुछ विजन है, मिशन है, वैल्यूज है, मेन ये है कि हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, क्वालिटी सर्विसेज दें और अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस जो भी है वो एथिक्स के साथ और इंटेग्रिटी के साथ करें, ताकि हम जो आपको सप्लाई कर रहे हैं उससे आपको बेहतर उत्पादन मिले और आपकी जो गुणवत्ता वाला प्रोड्यूस आपको मिले और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत ऊंचे लेवल पे जाके आप प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, जो टोटल बिजनेस है कंपनी का वो इस मैप में आप देख पा रहे होंगे। हमारा जो बिजनेस है, अगर हम इंडिया की बात करें तो धुले महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में बद्दी एक जगह है वहाँ पे है, चंडीगढ़ है, भोपाल है, और अगर मैं कंट्री के बाहर की बात करूँ तो कंट्री के बाहर भी हमारा 3-4 लोकेशन पे व्यवसाय है, जैसे श्रीलंका में है, नेपाल है और फिलीपींस है। तो ये कंपनी जो है इंडिया के बाहर भी अपना व्यवसाय करती है, अपना बिजनेस करती है। नेक्स्ट, अब हम आते केवल एग्री की बात करते हैं, खेती बाड़ी में जो प्रयोग हो रहे हैं वो उत्पाद हम कहाँ बना रहे हैं और कैसे सप्लाई कर रहे हैं उसकी बात करते हैं। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो येलो शेडेड, ये दो प्लांट हमारे हैं, एक प्लांट है देवास जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है और एक प्लांट है धुले में जो महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। हम इन प्लांट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के SSP के वेरिएंट बनाकर सप्लाई करते हैं, किसानों के बीच में इसको भेजते हैं। इनमें से एक बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है जीरोम। मुझे लगता है कि जो आज वेबिनार में जो यूजर फार्मर हमारे बहुत कनेक्टेड होंगे वो भलीभांति इस प्रोडक्ट को जानते हैं और इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है कि हमें अपने धुले प्लांट में ग्रेनुलेशन का एक और यूनिट डालना पड़ा है। हमारा जो देवास का प्लांट है उसमें फुल फ्लैश हमारे एक्सपेंशन का जो प्रक्रिया वो चल रही है, हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं ताकि इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसकी हम पूर्ति कर सकें। इसके अलावा भी हमारे पास दूसरे बहुत सारे वेरिएंट हैं SSP के जो भी हम बना के सप्लाई कर रहे हैं और इस समय 6 स्टेट में ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट जा रहा है। 2 स्टेट जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये बहुत जल्दी हम अपने ज्योग्राफी में ऐड करेंगे। तो जो 6 प्रदेश जहाँ पे इस समय हमारा मार्केटिंग है वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, और जैसा मैंने बताया कि बहुत जल्दी हम लोग राजस्थान और छत्तीसगढ़ को इसमें ऐड करें। ये हमारा धुले प्लांट का फोटो है जो आप देख पा रहे हैं। हमारा हमेशा विश्वास ये है कि हम जब इंडस्ट्री चलाते हैं तो इंडस्ट्री के साथ साथ हम एनवायरनमेंट पे बहुत विशेष ध्यान देते हैं ताकि एनवायरनमेंट एकदम क्लीन रहे। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस प्लांट के चारों तरफ कितनी हरियाली है और ये तो आप फोटो देख रहे हैं। कभी अगर आपको मौका लगता है और आप हमारे धुले प्लांट या देवास प्लांट में कभी जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो आप ग्रीनरी देख रहे हैं उससे बेहतर आप प्लांट की चारों तरफ पाएंगे। अब फार्मर की जो हैप्पीनेस है, किसी भी कंट्री का अगर हैप्पीनेस, अगर उसका फार्मर हैप्पी होगा तो निश्चित रूप से उस कंट्री की जो ग्रोथ है, उस कंट्री की जो प्रॉस्पेरिटी है वो उसमें झलकती है। हम भी इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ते हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट बना के दें, जो भी फार्मर के साथ हम काम करें उसमें हमारा फार्मर हैप्पी रहे। फार्मर हैप्पी कैसे होगा? अगर उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसके जो उत्पाद होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसको अच्छा रेट मिलेगा तो फार्मर हैप्पी होगा, और फार्मर अगर हैप्पी है तो हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाता है। हम SSP के साथ साथ बहुत ही उच्चे दर्जे के जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट है जैसे वाटर सोलबल है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, स्टिमुलेंट्स है, वो सप्लाई कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट हमारे पास वर्ल्ड क्लास जो सप्लायर है, वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड जो सप्लायर है, जैसे रियो टिंटो है, एक दो ग्रुप और हमारे पास है जो यूरोप के हैं, उनके प्रोडक्ट हम ला के इंडिया में सप्लाई करते हैं और वो अपने उस क्षेत्र का सबसे बेहतर प्रोडक्ट होता है। इसलिए हम कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं करते। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर हमारा फार्मर खुश होगा तो उसमें हमें खुशी मिलेगी, और अगर हम कुछ भी उनको सप्लाई करके, उनके बीच में काम करके उनकी समृद्धि को बढ़ा सकते हैं तो यही हमारा मिशन कंप्लीट होता है। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, जो आज मेन टॉपिक है
कि आपको धान की उत्पादन कैसे बढ़ानी है। मैंने आपको चैलेंज तो बता ही दिया है, कितना स्कोप है ये भी बता दिया है, हमारी प्रोडक्शन आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है। तो प्लीज इस जो सेमिनार में जो आज बातें बताई जाएंगी उसको बड़े ध्यान से आप सुने और उसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट भी करें। अगर ये आप करते हैं तो आज इस वेबिनार का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, आपने काफी जानकारी दी हमारे सभी श्रोताओं को। अब मैं प्रमोद गुप्ता जी से बोलूंगा कि वो भी कुछ प्रकाश डालें आज के इस वेबिनार पे, और फिर हम सीधे अपने तकनीकी पॉइंट पे प्रमोद पांडे जी के साथ आएंगे। साथियों, मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूं कि इस वेबिनार के बाद आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके जूम में एक ऑप्शन दिया हुआ है रेज हैंड, तो उसमें आप रेज हैंड करेंगे तो मैं एक एक करके सभी को आमंत्रित करूंगा ताकि आप अपना प्रश्न यहाँ पर कर सकें, और उसके बाद में कृषि ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आज हमारे अनुरोध पर आरएम फास्फेट ने काफी दो तीन इनाम यहाँ पर रखे हैं आप लोगों के लिए, और ये जो प्रश्न होंगे ये आप ही के इस जो प्रेजेंटेशन आज यहाँ पर होगा, जो इस वेबिनार में जो चर्चा होगी उसी पर आधारित ये प्रश्न रहेंगे। तो मुझे भी इंतजार रहेगा आप लोगों के साथ कृषि ज्ञान प्रतियोगिता खेलने का। तो प्रमोद गुप्ता जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद सचिन जी, थैंक यू चौहान सर। जैसा भी चौहान सर ने बताया कंपनी के बारे में, हमारा आरएम फास्फेट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2013 में हुई। हमारा पहला जो यूनिट था वो दिल्ली में था। 2013 से लेके हमने 2019 तक हमारा जो टाइप था वो श्रीराम फर्टिलाइजर के साथ में था, और 1 जनवरी 2020 से हमने ऑन मार्केटिंग की। अभी तक हमारा प्रेजेंस महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में था। अभी जैसा चौहान सर ने भी प्रकाश डाला कि हम पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी हम एंट्री कर लिए हैं, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो धीरे धीरे कंपनी एक ग्रोथ के साथ पेन इंडिया अपना प्रेजेंस कर रही है। हमारे जो उत्पाद सिंगल सुपर फास्फेट थे, और एक हमारा जिंकेटेड बोरोनेटेड ग्रेनुलर जो है महावीरा जिरोन, वो सभी किसान भाइयों का एक चहेता उत्पाद है। सभी किसान भाई काफी इसको पसंद करते हैं। यदि हम जिरोन की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में कंपनी ने लास्ट ईयर 1 लाख टन भेजा, और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो 25,000 टन सिर्फ मध्य प्रदेश में महावीरा जिरोन बेचा। ये एक अनूठा उत्पाद है और सभी किसान भाई इसको बहुत पसंद करते हैं। कंपनी अभी एसएसपी के साथ में, अभी हमने 1 साल पहले ही स्पेशलिटी बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें जल घुलनशील उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व और पीजीआर है। तो धीरे धीरे हमारा जो फ्यूचर विजन है वो ये है कि हम बल्क के साथ में स्पेशलिटी प्लस सीड बिजनेस भी हम स्टार्ट करें, और हम कंपनी को एक आरएम फास्फेट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को एक पूरा बास्केट बना, एक फार्म सॉल्यूशंस हम इस कंपनी को बनाए। हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है, वी नेवर कंप्रोमाइज इन क्वालिटी। हम कभी भी उत्पाद की गुणवत्ता में समझौता नहीं करते। आज हमारे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में अराउंड करीब 700 हमारे डीलर्स हैं। सभी भरोसे के साथ महावीरा के उत्पाद बेचते हैं, और जितने भी किसान भाई हैं महावीरा ब्रांड के उत्पाद, चाहे जिंक सुपर फास्फेट हो, जिंक ग्रैनुलर हो, महावीरा जिरोन हो, और अभी हमने जो स्पेशलिटी स्टार्ट की है वो उत्पादों, उनको भरोसा है कि महावीरा का उत्पाद है तो इसमें कोई समझौता नहीं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, कितनी भी शॉर्टेज हो, यदि मेरे यूनिट में प्रॉपर क्योरिंग मटेरियल नहीं है, प्रॉपर उत्पाद नहीं है, तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल उसको डिस्पैच करने की, या हमारा प्रोडक्शन मैनेजर उसको डिस्पैच करने की परमिशन नहीं देता। भले हमारे 500 टन के ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, हमें कोई परवाह नहीं, बट हम क्वालिटी में, उत्पाद की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं करते। और चूंकि हमारा एंड कंज्यूमर हमारा फार्मर है, तो हम ये चाहते हैं हमारा फार्मर किसान भाई खुश रहे, किसान भाई खुश रहेगा तो हम सब खुश रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सचिन।
ये धन्यवाद गुप्ता जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि भाई कितने आप लोग कितनी मेहनत से और कितने गुणवत्ता पूर्ण उत्पाद यहाँ पर किसानों को दे रहे हैं दोनों प्लांट से। तो साथियों, अब मैं सीधे आना चाहता हूँ, आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे तकनीकी वक्ता रहेंगे प्रमोद पांडे जी, जो कि हेड एग्रोनॉमिस्ट हैं आरएम फॉस्फेट एंड केमिकल से। आप लोग चाहें तो अपने इनकी बातें जो हैं, जो तकनीकी पहलू और टिप्स आपको यहाँ पे दी जाएंगी, उसको आप नोट कर सकते हैं, और अगर कभी नोट ना कर पा रहे हो तो आपको ये कार्यक्रम आप फेसबुक लाइव पे बाद में भी देख सकते हैं। तो पांडे जी, मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे किसान भाइयों को विस्तार से, डिटेल में, और मतलब अच्छी जानकारी दें, आपको टिप्स भी दें साथ में अपने इतने बड़े दीर्घ अनुभव के साथ। जी पांडे जी। थैंक यू सचिन जी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार, और इस माध्यम से जो भी लोग आज इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं उनको भी सभी को बहुत बहुत नमस्कार। हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है, ये जरा कंफर्म कर दें। जी जी आ रही है। ओके, तो आज ये जो धान पे हम लोगों ने ये वेबिनार जो रखा है, तो उसमें हम ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, पोषक तत्वों का प्रबंधन करके कैसे आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, उस पर विशेष बात करेंगे। तो छोटा सा राइस का परिचय आपको दे दें, पैडी का परिचय दे दें। धान जो है ये एक ग्रास की वैरायटी है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ओराइजा सटाइवा है, और ये धान जो है अपना मुख्य भोजन हमारे देश में ही नहीं बल्कि बहुत सारी कंट्रीज में, विदेशों में भी मुख्य भोजन है। तो जिसमें चाइना है, जापान है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, इनमें मुख्य रूप से धान की फसल ली जाती है और भोजन में भी ज़्यादातर उसका ही उपयोग किया जाता है। तो जहाँ तक हम भारतवर्ष की बात करें, तो भारतवर्ष में जितना भी हमारा कोस्टल एरिया है, और कुछ अगर सेंट्रल इंडिया लें जैसे हमारा तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है, आसाम, हरियाणा और पंजाब, तो यहाँ पे हम लोग धान की खेती करते हैं। और जो हमारे किसान भाई हैं वो बहुत अच्छी तरीके से धान हमारे देश में उगा रहे हैं, और हमारे देश का धान दूसरे देशों में भी भेज रहे हैं। लेकिन धान की फसल जहाँ पे भी उगाई जाती है, आप मुख्य रूप से ये स्टेट जो देखेंगे, तो उसका सिलेक्शन ऐसे होता है जहाँ पे लेबर की उपलब्धता सुगम हो वहां भी धान की फसल को प्राचीन काल से उगाया जाता है। पांडे जी, मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूं इसमें कि आजकल हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक सिंचाई का पूरा एक जाल बिछ गया है नहरों का, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये भी बताएंगे कि जो लोग नहर के किनारे की जो जमीन होती है, क्या वहां पे धान लेना उपयोगी रहेगा जहां पर हमेशा गीलापन रहता है या थोड़ा सीपेज रहता है, क्योंकि पारंपरिक जगह तो आपने बताई है, अब ये नई जगह है, क्योंकि मध्य प्रदेश में केवल धान पहले जबलपुर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग में ही होता था, लेकिन अब होशंगाबाद संभाग, भोपाल संभाग और उज्जैन तक में धान की खेती की जा रही है। जी सचिन जी, मैं उस पर आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि धान को पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, और जहां पर जिन क्षेत्रों में अच्छी बारिश होती है या सिंचाई का साधन बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध है, तो उन उन जगहों पर, उन प्रांतों में अब धान की फसल को आगे हमारे किसान भाई बढ़ा रहे। अब हम आपको दूसरी स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा हमारे देश से बाहर की चीजें बताना चाहता हूँ, क्योंकि धान एक ऐसी फसल है जैसा मैंने आपको बताया जो मुख्य रूप से काफ़ी देशों में जिनका खाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर हम ये देखें कि ग्लोबल अगर हम इसका देखें, तो अगर 2010 के बाद का ये डाटा हमने एक बनाया है और 2035 तक, तो जिस तरीके से हमारे हमारी आबादी बढ़ रही है और हमारे भोजन की आवश्यकता बढ़ रही है, उस तरीके से हम देखें तो हमको 116 मिलियन टन जो आज पैदावार है
उसके अलावा हमको पैदावार 2035 तक चाहिए, तो उसका उसको हम कैसे यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमारी ज़मीनें अगर देखा जाए तो बढ़ नहीं सकती हैं, ज़मीनें और कम हो रही हैं, तो हमको उन ज़मीनों का उन ज़मीनों पे जो हमारे पास आज उपलब्ध हैं उन पर अच्छी से अच्छी पैदावार अच्छे न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों के माध्यम से बढ़ानी पड़े। आप देखिए जो धान है तो वो 3000 मीटर एटीट्यूड तक का समुद्र से ऊपर आप उगा सकते हो, और इसका कल्टीवेशन आप ऐसे प्रांतों में जहां पर रेनफॉल ज़्यादा होता है, जैसे मैंने पहले बताया इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी है, कैनाल्स हैं, वहां सब जगह कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर में, हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में भी इसका अच्छे से हम खेती कर सकते हैं। अब इसके लिए हमको जो भूमि का चुनाव करना है धान की खेती के लिए, वो भूमि कैसी होनी चाहिए और किस तरीके की भूमि में हम अच्छी से अच्छी पैदावार धान की निकाल सकते हैं, तो धान की अच्छी पैदावार निकालने के लिए जितनी भी ज़मीनें हैं करीब करीब वो सभी उपयुक्त रहती हैं, लेकिन उसमें आपका ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लोमी एंड येलो सॉइल है, ठीक है, लेटरल सॉइल है, रेड सैंडी सॉइल है, इनमें हम धान की पैदावार आराम से ले सकते हैं। और उस पैदावार को अगर मान लीजिए उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो मुख्य रूप से ज़मीनों में आपकी खाद जब हम डालते हैं उसको भोजन के रूप में करने के लिए काम में आता है, तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा जहाँ पे ज़्यादा है जिन ज़मीनों में, वहाँ पे उसकी पैदावार हम और अच्छे ढंग से लेके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते। इस स्लाइड के माध्यम से मित्रों, किसान भाइयों, हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि हम भारत हमारा जो है धान के क्षेत्र में कहाँ पे खड़ा है। तो आप देखेंगे तो ये 2021 और 21-22 का डाटा है, जिसमें हमने लिखा है मिल्ट प्रोडक्शन इन द मिलियन टन्स। ये मिलियन टन्स में हमने राइस का प्रोडक्शन निकाला है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है चाइना का होता है। जैसा कि अभी चौहान साहब ने बताया था कि हमारा क्षेत्रफल, हम ज़्यादा क्षेत्रफल में धान की खेती करते हैं, करीब 4,460,000 हेक्टेयर में हमारा धान की पैदावार होती है पूरे देश में। लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना में हम 300 लाख हेक्टेयर में उसकी खेती करते हैं, लेकिन अगर पैदावार के मामले में देखो तो हम चाइना से बहुत पीछे हैं। तो क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमारा जो पर एकड़ या पर हेक्टेयर उत्पादन है वो हमारा बहुत कम है। तो हमको अभी भी गुंजाइश है कि हम अपने उत्पादन को 2.5 से 3 गुना तक बढ़ा सकते। कितना? 2.5 से 3 गुना तक बढ़ाने का हमारे पास स्कोप है। ऐसी वैरायटियां हैं कि हम अपने पोषक प्रबंधों का सही उपयोग करके और हम अपनी पैदावार को उस क्षेत्र में बढ़ाएं। अब आप देखिए चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया हमारा नंबर 2 पे है, उसके बाद फिर इंडोनेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, बर्मा है, फिलीपींस है, जापान है, पाकिस्तान, ब्राज़ील, यूएसए, नाइजीरिया, इजिप्ट, साउथ कोरिया। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं ये इस क्रमबद्ध तरीके से हमारा धान का उत्पादन लेती हैं, जिसमें कि हम पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे उत्पादन दे रहे हैं। लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ जाए तो हम यही प्रोडक्टिविटी के साथ में नंबर 1 पे पहुंच जाए। तो साथियों, धान का जो हम मेथड मतलब जो हम किस तरीके से धान हमारे किसान भाई लगाते हैं, क्योंकि कई प्रांतों में धान लगाया जाता है, तो सभी प्रांतों में जो पद्धति है धान लगाने की वो अलग अलग है। तो 4 पद्धति यहाँ पे हैं जो कि पूरे देश में हमारे किसान भाई उपयोग में लेते हैं। एक तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड रहता है, जिसमें हम धान का बीज जो है हमारे किसान भाई लेबर को लगा के या खुद वो खेत में सोइंग करते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है, तो उसको ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं। हाथ में मुट्ठी में सीड लेके और अपने आइडिया से वो पूरे एकड़ में उसको फैलाते हैं। दूसरा मेथड जो रहता है वो ड्रिल्ड मेथड रहता है, वो प्लाउ के साथ साथ में उसकी सोइंग करते हैं, उसको ड्रिलिंग मेथड बोलते हैं। तीसरा जो रहता है वो ट्रांसप्लांटिंग मेथड रहता है,
ये थोड़ा सा तकनीकी रूप से और अच्छा मेथड है, क्योंकि हमारे किसान भाई पहले रोपा तैयार करते हैं, रोपा जब तैयार हो जाता है 20 से 25 दिन का जब रोपा हो जाता है तो उस रोपे को निकाल के फिर उसकी रोपाई अपना जहाँ पे धान लगाना है वहाँ पे करते हैं। और चौथी पद्धति जो होती है वो तकनीकी रूप से बहुत अच्छी पद्धति है, उसको जापानी पद्धति बोलते हैं, और इसमें आप अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हो, लेकिन थोड़ी मेहनत इसमें ज्यादा लगती है कि नर्सरी को हम बेड बना के और ट्रांसप्लांटिंग करते हैं रो सिस्टम। तो रो सिस्टम में करने से उसमें बीड्स भी ज्यादा नहीं होते हैं और फर्टिलाइजर भी यूटिलाइजेशन आपको इजी तरीके से उसमें कर सकते हो, बहुत ही फर्टिलाइजर का सदउपयोग कर सकते हो। इंडिया जो है सेकेंड, जैसे मैंने अपनी पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट पैडी प्रोडक्शन देता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, तो हमारा देश का भी बहुत ज़्यादा महत्व है जो भोजन सप्लाई हम लोग करते हैं। और पैडी हमारी खरीफ की, पैडी मतलब धान हमारी खरीफ की मुख्य फसल है। खरीफ में हम मुख्य फसलों में हमारे धान को गिनते हैं और ये हमारे मिलियंस ऑफ लोगों को भोजन का प्रबंध करती है। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि हाइब्रिड सीड और आपका सिलेक्शन सीड वैरायटी के रूप में बाजार में उपलब्ध कराती हैं। तो ये हमारे फार्मर, हमारे किसान भाइयों को कौन सी वैरायटी का सिलेक्शन करना है उनकी क्लाइमेट के हिसाब से और उनकी सॉइल के हिसाब से, तो वो उस उपयुक्त वैरायटी का अपने क्षेत्र के हिसाब से सिलेक्शन करें। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ से आपको बताएं कि ये वैरायटियाँ बहुत उपयुक्त हैं आप लोग लगा लीजिए, तो वो ऐसा धान की खेती में संभव नहीं है। धान में हर एक क्षेत्र में क्षेत्रवार वैरायटी बदल जाती है, तो आप अपनी वैरायटी का चुनाव अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपनी मिट्टी के हिसाब से और अपने क्लाइमेट के हिसाब से करें। लेकिन फिर भी चूंकि हम ये वेबिनार मध्य प्रदेश में बैठ के कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में बहुत ही पॉपुलर वैरायटी काफ़ी पुराने समय से रही हैं, जिसमें HMT का नाम बहुत ज़्यादा है, आपका क्रांति का नाम बहुत काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, महामाया वैरायटी बहुत लोग किसान भाई पसंद करते हैं, पूसा सगुना वैरायटी बहुत हमारे किसान भाई पसंद करते हैं। इसके अलावा हमारे ICR ने दो वैरायटी अभी रिलीज की हैं, DRR धन 54 और 55। एक ऐसी वैरायटी हैं कि इनको कम पानी में भी उगाया जा सकता है, जहाँ पे बहुत कम बरसात होती है उसमें से भी इन वैरायटियों को लगा के आप अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। लेकिन धान में कोई भी वैरायटी लगाने से पहले आपको अपने क्षेत्र का क्लाइमेट, वहाँ की मिट्टी और वहाँ का रेनफॉल मतलब बारिश का डाटा जरूर देखना चाहिए, या पानी की क्या व्यवस्था है उस पर भी विचार करके ही वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। तो सीड कितना लगता है और सीड ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए? तो सीड ट्रीटमेंट में आप कोई भी अच्छा कंपनी का कार्बन डाइजिम लें, 2 ग्राम पर लीटर 1 kg सीड के हिसाब से आप उसको मिक्स कर लें और इसको 10 घंटे तक आपको उस सीड को आपको उसमें डुबो के रखना है, ठीक है? तो वो सीड जो है जब आपको 10 घंटे का हो जाएगा तो ये आप को 40 दिन तक किसी भी फंगिसाइड वगैरह से काफी काफी हद तक बचा के रखे, कोई भी फंगस वगैरह लगने से। अब इसमें मैंने एक आपको बहुत अच्छी चीज बताने की कोशिश की है स्टेबल के माध्यम से, हमारे किसान भाई इस पर ध्यान दे सकते हैं कि आपको पर स्क्वायर मीटर इसमें 66 प्लांट आपके धान के लगते हैं नॉर्मल कंडीशन, ठीक है? और टोटल 1 एकड़ में 792,000 पौधे धान के होते हैं, जब जो कि आपका अगर सीड रिक्वायरमेंट है तो सीड रिक्वायरमेंट आपका 20 से 30 kg उसमें होता है। तो आप इतने सीड के से ज्यादा है, हमारे किसान भाई कई बार जो सोइंग करते हैं, जो नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी से ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उनका तो ठीक है वो तो सही सीड का उपयोग हो जाता है, लेकिन जो लोग सोइंग करते हैं वो कई बार काफी बड़ी मात्रा में सीड का उपयोग कर लेते हैं और उनकी फिर धान कैसी होती है कि बहुत बहुत घनी हो जाती है, पौधे बहुत पास पास में हो जाते हैं और फिर वो अच्छी पैदावार उसके माध्यम से नहीं ले पाते। तो आपका बीज का आपको आप ध्यान रखना है अगर आप डायरेक्ट सोइंग में जाते हो, अगर आप ब्रॉडकास्टिंग।
तो किसान भाइयों, किसी भी फसल में अगर हम बात करें, आज तो हम धान की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी फसल के लिए हमको 16 पोषक तत्वों की विशेष रूप से आवश्यकता होती है। चाहे हम धान लगाएं, चाहे सोयाबीन लगाएं, चाहे कपास लगाएं, आपके क्षेत्र में आप जो भी फसल लगाते हो, इस वेबिनार के माध्यम से हम आपको यहाँ पे जो जानकारी देना चाह रहे हैं वो ये है कि 16 तत्वों की आवश्यकता हर एक पौधे को होती है। और ये 16 तत्व, इसमें से हमको 3 तत्व तो हमारे नेचर ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं, जिनकी कीमत विदेशों में हमको बहुत बड़े पैसे के माध्यम से देनी पड़ती है। जैसे हमको विदेशों में पानी खरीदना पड़ता है, हमको विदेशों में सही तरीके के का एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है, क्लाइमेट नहीं मिलता है, तो हमको यहाँ पे नेचर ने ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं। हमको पानी दिया है का, जिसमें आपका कैनाल्स दी हैं, नदियाँ दी हैं, तो उनके माध्यम से हम अपनी खेती में कोई भी पैसा खर्च किए बिना या बहुत नॉमिनल पैसा खर्च किए बिना इनकी इनको सही ढंग से अपने पौधे तक पहुँचाने में मदद करते हैं। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व हैं, ये तो हमारी नेचर ने हमको दिए हैं, इसको छोड़ के हमारे 13 तत्व और बचते हैं। तो 13 तत्वों में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास 3 तत्व जो हैं मुख्य श्रेणी में आते हैं, जिनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ये मुख्य श्रेणी में जो तत्व आते हैं, इनको हमको निश्चित रूप से देना है, इनके बिना हमारी फसल पैदा नहीं हो सकती। और जो हमारे द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये हमको देने हैं, लेकिन उससे कम मात्रा में देने, इनको द्वितीयक पोषक तत्व बोलते हैं। और अगर हम देखें तो मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोराइड, मॉलिब्डेनम, ये सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं किसान भाई। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, हमारे किसान भाई जो भी इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं, उनको निश्चित रूप से हमारे साथ ब्रेन के साथ ब्रेन मिलाना। आप फिजिकली वहां बैठे हो तो हमको सुने भी ब्रेन के साथ, क्यों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं निश्चित रूप से आपको इस धान की फसल जब आप लगाने जा रहे हो तो आपको फायदा होगा। तो क्यों फायदा होगा वो भी मैं इसके उपरांत आपको बताऊं। तो ये जो 16 पोषक तत्व हैं, हमारे किसान भाई अपने दिमाग में डाल लें कि इसमें वो कितने पोषक तत्व अपनी फसलों में दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं। मैं आपको यहीं पे एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई ज्यादातर हमारी धान की फसल में डीएपी का उपयोग करते हैं, यूरिया का उपयोग करते हैं, जिससे उनको केवल 2 ही पोषक तत्व प्राप्त। आप डीएपी डालोगे तो 1846 कहलाती है, हमारे जबलपुर एरिया में लोग 1846 के नाम से मांगते भी हैं कि 1846 की बोरी दे देना, तो उसमें से 18% आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, 46% आपको फास्फोरस मिल जाएगा, और उसके बाद आप फिर 3 बार में अपना यूरिया का डोज देते हो तो फिर वहां पे फिर आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो आप 2 ही पोषक तत्व दे रहे हो। अब किसान भाइयों देखो, आपको मैं ये स्लाइड देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आप गलती कहाँ पे कर, तो उस गलती को कैसे सुधारना है वो हम आपको अगली स्लाइड के माध्यम से बताएं। पैडी में अगर आप देखो तो हमारा जो वैज्ञानिकों ने आरडीएफ हमने लिखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने जो रिकमेंडेड डोज दिया है पर एकड़ का, पर एकड़ की बात करेंगे हम, जहां से स्लाइड ग्रीन चालू होती है और जहां पे ग्रीन पे खत्म होती है, इतने ही पे आपको ध्यान देना, ऊपर नीचे ध्यान मत देना। जहां पे कलर हरा शुरू हुआ है और हरा खत्म हो गया, वहीं तक देखो आप स्लाइड को। तो हमारे वैज्ञानिकों ने पर एकड़ डोज जो है ये तय किया है कि 48 किलो आपको नाइट्रोजन देना है पैडी के 1 एकड़ में, 24 किलो फास्फोरस देना है और 16 किलो आपको पोटास की मात्रा देनी। अब मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे बहुत सारे किसान भाई 90% 85% किसान भाई पोटास का उपयोग ही नहीं करते, वो 2 ही तत्व लेते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो तीसरा तत्व भी छोड़ देते हैं, पोटास तक भी नहीं पहुंचते हैं। तो आपको निश्चित रूप से ये वैज्ञानिकों ने तय किया है कि आपको ये 3 तत्व इस मात्रा में डालने हैं, तो आपको डालने चाहिए अगर अच्छी पैदावार अपनी खेत से निकालनी। दूसरा किसान भाइयों, आप ये बताइए कि आज मैं इस वेबिनार के माध्यम से आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप अच्छा हाइब्रिड बीज खरीदते हो, आप अच्छा सिलेक्शन बीज खरीदते हो,
आप सर्टिफाइड बीज लाते हो बहुत मेहनत करके, फिर सारी चीजें उसमें प्रक्रियाएं करते हो, बीटीसाइड डालते हो, पेस्टिसाइड डालते हो और तमाम आप यूरिया की खाद डालते हो, डीएपी की खाद डालते हो, जब इतना सारा खर्चा करते हो, तो अगर आप पोषक प्रबंधन को संतुलित कर दो तो जो आपने खर्चा किया उसमें निश्चित रूप से आपको 10% से 20% का उसमें आपका जब उत्पादन निकलेगा और आपका जब उत्पादन बेचने जाओगे तो उसमें आपको 20% तक फायदा अवश्य रूप से आएगा। ये मैं आपको आज इस वेबिनार के माध्यम से बता रहा हूँ। तो अब आप इसमें देखिए, अगर मान लीजिए 48 किलो आपको नाइट्रोजन देना और 24 किलो फास्फोरस देना, तो अब हम आ जाते हैं कि 24 किलो फास्फोरस आप कैसे दे सकते हैं। एक ऐसी खाद से दे सकते हो 24 किलो फास्फोरस जिसमें फास्फोरस के अलावा अन्य पोषक तत्व भी उपलब्ध। वो कौन सी खाद है? उसको कहते हैं महावीरा जीरान, जो कि RMPCL कंपनी की महावीरा जीरान, जो हमारी बात यहाँ से हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, बहुत सारे किसान भाइयों ने इसका उपयोग किया हो। अब ये महावीरा जीरान है क्या? महावीरा जीरान एक ऐसा खाद है जिसमें कंपनी ने 5 पोषक तत्वों का समावेश हर एक दाने के अंदर किया। वो कैसे, कौन कौन से पोषक तत्व हैं? इसमें कंपनी ने फास्फोरस भी डाला है, कैल्शियम भी डाला है, जिंक भी डाला है, बोरान डाला है और आपका सल्फर डाला। तो 5 पोषक तत्वों का समावेश हरेक दाने के साथ में किया। तो जब आप फास्फोरस 24 किलो जो आपको फास्फोरस देना है, 24 किलो फास्फोरस जब आप जीरान के माध्यम से देने जाओगे तो आपको 3 बैग जीरान लेना पड़ेगा। 3 बैग मतलब हमारे फास्फोरस में, इसमें फास्फोरस कितना होता है जीरान में? 16% फास्फोरस। तो 16% अगर फास्फोरस है तो 100 किलो में आपको 16 किलो फास्फोरस मिल गया और 150 किलो में आपको आपको 24 किलो फास्फोरस। तो जब 24 किलो फास्फोरस मिलेगा उसके साथ साथ में आपको और क्या मिल जाएगा? आपको उसके साथ में कैल्शियम मिल जाएगा, सल्फर 16.5 किलो मिल जाएगा, बोरान आपको 300 ग्राम मिल जाएगा, जिंक आपको 750 ग्राम मिल जाएगा। तो ये सारे पोषक तत्व आपको इस फास्फोरस के साथ में अलग से मिल जाएंगे और वो आपकी फसल को, आपकी जड़ जड़ से ये तत्व मिलने स्टार्ट होंगे तो आपकी फसल को शुरुआत से ही एक मजबूती देंगे। कैल्शियम जहां पे आपने डाल दिया वहां पौधा तन के खड़ा होगा, उसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि उसके ऊपर कितनी भी बड़ी बाल लगेगी तो उसको संभाल पाएगी, कितनी भी तेज हवा चलेगी आपकी धान गिरेगी नहीं। तो ये सारे पोषक तत्वों का समावेश करके आपको जीरान 150 किलो देना है जो पहले कॉलम में हमने लिखा, तो आपका फास्फोरस की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। साथ में आपको कैल्शियम, सल्फर, जिंक, बोरान ये पोषक तत्व अलग से मिल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है? आपको MOP लेना है। 16 किलो आपको MOP एक एकड़ में देना है। तो अगर MOP को आप देखोगे तो 16 किलो, तो अगर आप म्यूरेट ऑफ पोटास लेते हो तो उसको आपको 26 किलो पोटास देनी, कितना? 26 किलो। और साथ में आपको 30 किलो यूरिया मिलाना है और उसकी धान की जब आपकी या तो चौपाई हो जाए या जब पडलिंग करते हैं, जब मिट्टी तैयार करते हैं उस टाइम पे आपको फेंकना है। फिर बचा हुआ यूरिया आपको तीन बार में डिवाइड करके दे देना है, जो मैंने नीचे लिखा है कि 20 से 25 दिन पे 30 किलो यूरिया देना है, 40 से 45 दिन पे आपको फिर 30 किलो यूरिया देना है और 85 से 90 दिन पे आपको 15 किलो यूरिया देना है, क्योंकि उस टाइम तक नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है, लेकिन जब दाना भरना चालू रहता है तो उस टाइम पे भी थोड़ा सा नाइट्रोजन चाहिए रहता है। उसी के साथ साथ में किसान भाइयों, जो माइको राजा, किसी भी अच्छी कंपनी का माइको राजा या हमारी कंपनी का माइको राजा जो आपके आसपास में उपलब्ध हो, 4 किलो माइको राजा आपको सोइंग के टाइम पे, बुवाई के समय पे डालना। इसके साथ में जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो एमिट्रॉन करके RMPCL का एक प्रोडक्ट है जिसको एमिट्रॉन एल बोलते हैं। ये एक बोतल में आता है, अभी आपको हम दिखाएंगे। उसका 500 ml का
500 ml का एक एकड़ में आपको स्प्रे करना है, तो जिस टाइम पर धान के खेत में फूल बन रहे होंगे तो ये फूलों को और जो उसकी भोजन बनाने की प्रक्रिया है, क्लोरोफिल की जो प्रक्रिया है, उसको बहुत तेज कर देते हैं। तो उस टाइम पे आपको ये अगर तेज हो जाती है तो आपका आपका फूल ज्यादा बनेंगे, फूल से फल ज्यादा बनने, दाने ज्यादा बनने चालू हो जाएंगे और आपका सीधा इसका इम्पैक्ट उसका आपके पैदावार पे पड़ेगा। उसी के साथ साथ में आपको हमारा, जैसा कि चौहान साहब ने भी अपने संबोधन में आपको बताया था कि हमारा बोरान बहुत अच्छी क्वालिटी का बोरान आता है, तो 250 ग्राम का एक बोरान का पाउच आप उसी टाइम पे फ्लावरिंग के समय पे डाल सकते हैं। किसी भी फसल में जब पौधे पर फूल लगने की प्रक्रिया शुरू होती है तब बोरान का उपयोग अवश्य आपको करना चाहिए, जिससे कि जो फूल झड़ने की प्रक्रिया है वो कम होगी और फूल से फलों के बनने की प्रक्रिया ज्यादा हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ये एक आपका कंप्लीट, मैंने एक एकड़ का आपको पोषक प्रबंधन बताया। अब इसमें जो हमारे किसान भाई बहुत ही मतलब अच्छी और खेती करना चाहते हैं, जो और मेहनती हैं, तो उनके लिए मैंने नीचे लिखा है कि जो वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर आता है फुहारने वाला 1 किलो के पाउच में, उसमें 25 से 30 दिन पर 19-19 का आप एक किलो का एक पाउच लेके और उसका स्प्रे अपने एक एकड़ पे कर दें और 45 से 50 दिन पर 12-61-0 का 1 किलो पाउच का स्प्रे कर दें। इतना करने से आपकी धान की फसल जो भी पैदावार आप लेते हो, आप इसको छोटे से एरिया में 2 एकड़ में 5 एकड़ में 10 एकड़ में करके देखिएगा, तो आप जब भी कंपेरिजन करोगे जो जहाँ पे आपने ये चीज नहीं डाली और जहाँ पे डाली है, तो आपको निश्चित रूप से 15 से 20% का यील्ड का इजाफा मिले, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप धान अपना मंडी में लेके जाओगे तो उस धान की जो चमक होगी, उस धान का जो वजन होगा, उसकी वजह से आपका धान अच्छे मूल्य पे खरीदा जाए। जो ट्राली जब आप तौलने के लिए आप उसके अपने मंडी में खड़ी करोगे, तो जिस खेत में, जिस ट्राली में आपने जीरोन पड़ा हुआ धान रखा है, उसका उस भरी हुई ट्राली का दूसरी भरी हुई ट्राली की अपेक्षा वजन ज्यादा निकले। ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं, ये किसान भाइयों ने ही हमको बताई है, वो मैं आज आपको शेयर करूँ। ये आप लोगों की बताई हुई चीजें ही मैं आज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, ये एक पूरा मैंने आपको एक एकड़ का पोषक प्रबंधन इस स्लाइड के माध्यम से आपको बताया है और निश्चित रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आप अपने इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो लिख के रखें, हम बाद में प्रश्न उत्तर के माध्यम से यहाँ से आपको उत्तर देंगे। आप किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी स्लाइड आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको एक एनालिसिस दिखाया है कि अगर 1 बैग डीएपी का लो और 3 बैग जीरान लो और 20 किलो यूरिया मिला लो, तो उससे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और उससे किसान भाइयों को कम से कम 1 एकड़ में 1509 रुपए तक का फायदा होता है। वो इस स्लाइड के माध्यम से बताया, देखिए आपको समझा रहा हूँ। अगर 1 बैग आपने डीएपी ले लिया 50 किलो का, तो उसका कीमत 1350 रुपए होता है, जो कि आपको तीसरे कॉलम में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहले कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड कॉलम में आप देखो, थर्ड कॉलम में आपको 1350 रुपए सबसे नीचे लिखा मिलेगा। ये 50 किलो डीएपी का मैंने प्राइस डाला है। आप अगर 3 बैग जीरान और 20 किलो यूरिया लें तो इसका बाजार मूल्य 2021 रुपए होगा, जो कि चौथे कॉलम में हमने डाला है। अब हमने अगर मान लिया जीरान दिया 3 बैग और 20 किलो यूरिया दिया, तो हमने 2021 रुपया खर्च किया यहाँ, तो हमने कितना ज्यादा खर्चा कर दिया, 671 रुपए ज्यादा हमने खर्चा कर दिया, जो कि हमने सबसे नीचे लिखा है 2021 के। आप देखो, अगर हम 1 एकड़ में 3 बैग जीरान 20 किलो यूरिया डालते हैं तो हमारा खर्चा होगा ज्यादा है 671 रुपए, लेकिन हमको मिलेगा क्या? अगर हम बाजार मूल्य पे देखें तो हमको इसमें
थोड़ा सा यूरिया ज्यादा मिल जाएगा, 0.2, हमको 16.5 किलो सल्फर मिल जाएगा, हमको 1 किलो फास्फोरस ज्यादा मिल जाएगा, हमको 28.5 किलो कैल्शियम मिल जाएगा, हमको जिंक मिल जाएगा 750 ग्राम, और हमको बोरान मिल जाएगा 300 ग्राम। अगर इसकी बाजार में कीमत निकाली जाए तो हमको जो है 2180 रुपये अतिरिक्त मूल्य का इसमें तत्व मिल जाते हैं। ये हमने लास्ट वाले कॉलम में दिखाया है जो कि बाजार मूल्य पे डाला है, तो 2180 रुपये हमको ज्यादा फायदा हुआ, हमारे पौधे को ज्यादा तत्व मिले ये डालने से। अगर 2180 रुपये को हम जो हमने यहाँ पे ज्यादा खर्चा किया था 671 रुपये उसमें से माइनस कर दें, उसमें से घटा दें, तो 1509 रुपये आ जाते, तो हमारे किसान भाई को 1500 रुपये का पर एकड़ फायदा होता है अगर आप इस प्रक्रिया से चलें, और आपके पौधे को 5 पोषक तत्व तो ज्यादा मिल जाते। तो किसान भाइयों, ये स्लाइड को आप गौर से समझिए और देखिए कि आज तक जहां पे भी आप गलती कर रहे थे तो उसमें इस सीजन में आप सुधार करके एक तो जो आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हो, दूसरा पर एकड़ कास्ट भी कम कर सकते हो। अगर मान लीजिए हमारे कोई किसान भाई 10 एकड़ का धान लगाने जा रहा है तो 1500 के हिसाब से उसका 15000 रुपये तो पहले दिन ही बच जाएगा। आप इस बात को सही ढंग से समझ लीजिए, हमको दोनों तरफ से पैसा कमाना है, हमको हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में भी कीमत भी कम लगानी है, और हमको जब पैदावार निकले तो उसका उत्पादन भी बढ़ाना है, और वो उत्पादन इतना गुणवत्ता वाला निकले कि उसकी हमको कॉस्ट ज्यादा। गुणवत्ता वाला कैसे, जब आप ये खाद डालोगे तो आप बोलोगे हमारा धान जिंक और बोरान फोर्टिफाइड है, इसमें हमने जिंक और बोरान डाला है, हम इसका 50 रुपये ज्यादा मूल्य लेंगे, आप बोल सकते हैं। तो इसको आप सही ढंग से हमारे किसान भाइयों समझ लो। ये स्लाइड मैं सचिन भाई को भी गुजारिश करूंगा इस मंच के माध्यम से कि जब भी वो वेबिनार का ये न्यूज अपने पेपर में दें तो साथ में हमारा डोज और ये स्लाइड भी उसमें लगाएं, जिससे कि हमारे किसान भाई सही ढंग से जो नहीं समझ पाए हों वो इसको पढ़ के समझ। बिल्कुल ठीक है। तो किसान भाइयों, अब आपको जो मैंने एक पिछली स्लाइड में बताया था कि धान के लिए बहुत जितना पोषक तत्व तो आवश्यक है उतना ही आवश्यक है पानी। अगर पानी नहीं है तो हम धान की फसल की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक पानी वाली फसल। तो इसमें एक रेंज निकाला गया है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने रेंज निकाला है कि उसको 1100 से 1250 एमएम तक इसके लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। और पानी की कब कब आवश्यकता पड़ती है, आप देखो इस टेबल के माध्यम से हमने बताया है कि नर्सरी के टाइम पे केवल 3.5-3%, जब आप मेन फील्ड में उसको ले जाते हो, रुपाई करते हो या बुवाई करते हो तो 16.5-16%, और जब प्लांट पेनिकल मतलब जब बाल की अवस्था पे आता है तो 37%, उस टाइम पे सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और जब पेनिकल में फ्लावरिंग चालू होती है और दाना बनता है तो 33%, और जब फ्लावर मेच्योरिटी पे आता है तो 10%। तो इसके पानी का ऐसा उन्होंने डिवाइड किया है। अब आप लोग तो सीधा सीधा समझ लो कि जब आपका धान में फूल आ जाए और उसका दाना बनना चालू हो जाए उस टाइम पानी की व्यवस्था आपको जरूर कर दी। अगर उस टाइम पानी की व्यवस्था आपने कर दी तो आपका निश्चित रूप से पैदावार नीचे नहीं आएगी। आप लोग समझ गए होंगे, उस पैदावार नीचे नहीं आएगी, दाना हल्का नहीं होगा, तो उस टाइम पे अपने को पानी की आवश्यकता अवश्य पूरी करनी चाहिए पौधे। पेस्ट मैनेजमेंट में हमारे किसान भाई जो अच्छे ढंग से करते हैं, और जो लोग किसान भाई अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो एक ऐसा स्टडी है कि हमारे फार्मर्स अगर मान लीजिए राइस में पेस्ट मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं करें तो 37% तक उनकी पैदावार कम हो जाती है, ये एक स्टडी है। तो हमारे किसान भाइयों को उसका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए, जब भी जो बीमारी आए उसका सही डायग्नोसिस करके और
राइस डॉक्टर जो उनके यहाँ पे केवीके हैं या फिर एग्रीकल्चर कॉलेज हैं, तो उनसे परामर्श अवश्य लेना चाहिए। ऐसे ही कोई भी दवाई का उपयोग उनको नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आज इस वेबिनार के माध्यम से आपको जो मैंने बताया था, तो महावीरा जीरोन के बारे में, ये महावीरा जीरोन का एक बैग मैंने आपको सामने लगाया है और इसी तरीके का बैग आपको बाजार में उपलब्ध रहेगा। जब भी हमारे डीलर के यहाँ जाओगे, सेम ऐसा ही कलर होगा। इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स भी दिखाए हैं कि भाई 16% फास्फोरस मिलेगा आपको, कैल्शियम 19% मिलेगा, सल्फर आपको 11% मिलेगा, जिंक आपको 0.5% मिलेगा और बोरान आपको 0.2% मिलेगा। तो आप लोग इस बैग को पहचान लो और जब भी आप बाजार में जाते हो तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत हो तो इस बैग को लेके आप डीलर से मांगोगे कि हमको ये जीरोन महावीरा जीरोन का बैग चाहिए हमारी धान की फसल की, ठीक है। इसी के साथ साथ में जो मैंने आपको बोरान का बताया था, तो बोरान का हमारा ऐसा पाउच आता है महावीरा बोरान, ये 20% है, तो इसका इस पाउच को भी आप देख सकते हो और इसका चुनाव इस बाजार में जाके कर सकते हो। एमिट्रॉन के बारे में जो मैंने आपको बताया, एमिट्रॉन की ऐसी बोतल आती है 1 लीटर में, आधा लीटर में और 250 ग्राम में, तो आप इसको भी यहाँ पे अपना फोटो क्लिक कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया था, ये क्लोरोफिल को बढ़ाता है, फूलों और फलों की संख्या बढ़ाता है, तो गुणवत्ता में भी काफ़ी, उत्पाद और गुणवत्ता में भी काफ़ी इसका रोल है, ठीक है। फसल की उपज भी बढ़ाता है, तो ये बहुत अच्छा उत्पाद है। आप इसका भी प्रयोग इस बार जरूर करिएगा। इस मंच के माध्यम से हम आप सभी से यही गुजारिश करें। ये जो साइड में आप देख रहे हो राइट साइड में, ये सिम्प्रॉन है जिसको माइको राजा, अगर हमारा उपलब्ध होता है, क्योंकि सब जगह हमने अभी इसको नहीं पहुंचा पाया है, अगर आपको RMPCL का ये उत्पाद नहीं मिलता है तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का ये उत्पाद खरीद सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसी के साथ बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और मैं जी मैं आप एक सचिन जी, अब एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो हमारे किसान भाइयों के लिए है, तो एक 2 मिनट के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन चालू करेंगे। धन्यवाद पांडे जी, काफी सटीक जानकारी दी आपने धान की पोषक प्रबंधन के बारे में। ये PPT आ गया, वीडियो नहीं अभी लगा रहे हैं, 1-2 मिनट के लिए, जस्ट वेट। तो तब तक कुछ बात सचिन जी आप कर लीजिए, मैं वीडियो लगा रहा हूँ और जल्दी उसको चला देंगे। बिल्कुल, तो देखा आपने साथियों कि किस तरीके से अगर हम पोषक प्रबंधन करें तो हम लोग धान की उपज तो बढ़ा सकते ही हैं और साथ में अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि सॉइल हेल्थ के लिए भी अच्छा है कि हम ठीक ठीक मात्रा में ही पोषक प्रबंध पोषक तत्व दें उसमें। तो मेरा आप सभी से ये गुजारिश है कि आप ये जो महत्वपूर्ण बातें आज यहाँ पर बताई गई हैं इसको आप जरूर अमल में लाएं, और जिससे पहले कि अभी पांडे जी अपना यहाँ वीडियो दर्शाते हैं, वीडियो लगा रहे हैं, आप में से जो भी कोई प्रश्न अगर करना चाहते हो तो एक हमारे यहाँ जूम वेबिनार पे एक ऑप्शन है रेज हैंड करने का, तो वो आप रेज हैंड कर लें ताकि जिससे कि हम आपके इस प्रश्नों को यहाँ पर ले सकें और हमारे जो वक्तागण हैं आज इसका यहाँ पर जवाब दे सकेंगे।
तो सचिन जी वीडियो भी ऑन कर रहे हैं जी, वीडियो ऑन हो गया। कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, इसको पीपीटी को बंद कर दें आप जी, अब वीडियो आप लगा दें शायद ठीक रहेगा। तो परमार जी और बसंत जी ने अभी रेज हैंड किया है, ये आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, और इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के बाद हम लोग कुछ आपसे सामान्य ज्ञान कृषि ज्ञान प्रतियोगिता के प्रश्न करेंगे, और जिसमें आज हमें आरएम फॉस्फेट की ओर से यहाँ पर बोरॉन प्लस एमिट्रॉन के पाउच यहाँ पर उपहार स्वरूप आप लोगों को दिए जाएंगे। तो मेरा साथियों कुछ देर आप थोड़ा वेट करें, बस ये वीडियो हमारा शायद लग गया है जी, इसको बड़ा कर लें स्क्रीन को। म्यूट अनम्यूट करें पांडे जी, आवाज नहीं आ रही है शायद, अनम्यूट हैं आप, अनम्यूट नहीं हमारे वीडियो की आवाज नहीं आ रही। हाँ आपकी वीडियो से आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक जी, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लें तो साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी आप अपने प्रश्न करें तो आप अपना परिचय जरूर दें कि आपका नाम और आप कहां से हैं, ताकि हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ा सके। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि परमार जी, बसंत जी और देवेश जी प्रश्न के लिए इच्छुक हैं, और जो हमारे फेसबुक के पाठक हैं वो भी अगर प्रश्न करना चाहते हैं तो आप फेसबुक लाइव पर ही अपने कमेंट बॉक्स में जाके प्रश्न कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि आप सभी की जो भी जिज्ञासाएं हैं उनका यहाँ पर समाधान हो। क्या जी, अब आइए आप इनलाज कर लें। किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं प्रमोद कुमार पांडे, हेड एग्रोनॉमिस्ट। भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं प्रमोद कुमार पांडे, हेड एग्रोनॉमिस्ट, आरएम फास्फेट एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से धान की फसल में पोषक प्रबंधन के बारे में बात कर रहा हूं। किसान भाइयों, क्या आपको पता है पोषक प्रबंधन के अभाव में आप अपनी फसल से भरपूर पैदावार नहीं ले पा रहे हैं। इस बार महावीरा जीरान अपनी धान की फसल में अपनाओ 10-20% उपज गुणवत्ता के साथ बढ़ाओ। किसान भाइयों,
क्या है महावीरा जिरौन? महावीरा जिरौन 5 पोषक तत्वों से भरपूर खाद है। इसमें फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, जिंक तथा बोरान तत्व उपलब्ध हैं। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा धान की फसल में 48, 24, 16 उर्वरक की मात्रा प्रति एकड़ तय की गई है। 48, 24, 16 अर्थात 48% 48 भाग इसमें है नाइट्रोजन जी। अच्छा, मुझे लगा 24 भाग फास्फोरस और 16 भाग पोटास उर्वरक की मात्रा तय की गई है। अतः 150 किलो महावीरा जिरौन समय उपयोग करें। बची हुई यूरिया 25 से 30 दिन बाद तथा 45 से 50 दिन पर उपयोग करना चाहिए। 3 बैग यानी कि 150 किलो जिरौन से आपकी फसल को आवाज चली गई। फास्फोरस 24 किलो, सल्फर 16.5 किलो, कैल्शियम 28.5 किलो, जिंक 750 ग्राम, बोरान 300 ग्राम उपलब्ध हो जाएगा, जिससे आपकी फसल स्वस्थ तथा पौधे बलवान प्रति एकड़ अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज से ही महावीरा जिरौन का उपयोग डीएपी की जगह करना शुरू करें। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। दृश्य और श्रव्य माध्यम से भी आपने जो जानकारी दी है कि ये किसान साथियों, मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये इकोनॉमिक्स ज्यादा है और साथ में अगर इन तत्वों का भी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि की अर्थव्यवस्था और धान की लागत पर एक नियंत्रित प्रभाव डाल सकता है। तो मैं शीघ्र ही आमंत्रित करता हूँ मुकेश परमार जी को कि आप आए और अपना प्रश्न करें। अनम्यूट कर लें मुकेश जी। जी हाँ मुकेश जी। वंदे मातरम सर जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अभी आपने जो पूरा जो डिटेल दिखाया वो एकदम बढ़िया है जी। उसमें एक ये चाहिए कि मान लो कि कोई यूरिया, डीएपी, सल्फर सब डालता है, उसका खर्चा और अपना जिरौन वाला खर्चा, तो कॉस्टिंग कौन सा कम रहता है, उसका एक शेड्यूल या उसका कुछ बताइए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, तुलनात्मक, क्योंकि फार्मर को कम होना चाहिए ना खर्चे से, वो थोड़ा बताइए तो अच्छा रहेगा सर। आप कहाँ से हैं परमार जी? मैं बड़ौदा गुजरात से बोल रहा हूँ सर। अच्छा 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 जी जी। पांडे परमार जी, आवाज हमारी सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। अच्छा, अभी हमने आपको उसके बारे में जानकारी दी थी, शायद हो सकता है आपसे मिस हो गई हो, दोबारा फिर से बता देते। आपका सवाल ये था कि डीएपी वर्सेस अगर हम जिरौन 3 बैग लेते हैं और यूरिया 20 किलो लेते हैं तो दोनों में खर्चा कैसे कम होगा। मैंने इस स्लाइड के माध्यम से अभी हमारे किसान भाइयों को बताया था, फिर से आपको एक बार हम बता रहे हैं कि अगर हम एक बैग डीएपी की कॉस्ट देखें तो 1350 रुपए होती है, जो कि तीसरे कॉलम में आप देख सकते हो। फिर चौथे कॉलम में आप देख सकते हो कि हमने 3 बैग जिरौन लिया और 20 किलो यूरिया लिया तो उसकी कॉस्ट 2021 रुपए आती है। अगर हम इसको 2021 रुपए को 1350 रुपए से माइनस कर दें तो 671 रुपए हमने ज्यादा खर्चा किया जिरौन के साथ। लेकिन हमने 671 रुपए ज्यादा खर्चा करके क्या पाया? हमने पाया कि हमको 0.2% आपका 200 ग्राम हमको नाइट्रोजन ज्यादा मिल गया, 1 किलो हमको फास्फोरस ज्यादा मिल गया, 16.5 किलो हमको सल्फर ज्यादा मिल गया, कैल्शियम हमको 28.5 किलो मिल गया और 750 ग्राम
किलोग्राम जिंक मिल गया, 750 ग्राम जिंक मिल गया और बोरान 300 ग्राम। तो ये सबकी अगर बाजार में कीमत, बाजार में बिकने वाली कीमत ली जाए तो करीब इसकी कीमत लास्ट वाले कॉलम में देखो आप, आखिरी कॉलम जो है 2180 रुपए आती है, 2180 रुपए। 2180 रुपए को अगर 771 से हम माइनस कर दें, जो हमने ज्यादा लगाया था, लेकिन हमने ज्यादा पाया कितना, 2180, तो 1509 रुपए का हमको एक एकड़ में फायदा होता है। यहाँ पे जो हम पोषक प्रबंधन कर रहे हैं वहीं पे हमको फायदा हो जाता है। जो आपकी उपज ज्यादा आएगी वो तो आगे आने वाले समय में आएगी, जब आप जेब से पैसा खर्च कर रहे हो, जिस टाइम अपनी फसल बो रहे हो उसी टाइम पे आपको ये फायदा होता है। बराबर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद परमार जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देवेश शुक्ला जी। देवेश जी अनम्यूट कर। हेलो जी देवेश जी। गुड इवनिंग सर। मेरा प्रश्न ये है कि मैं पहले तो बस्ती उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ आज 5-6 सालों से अगिया रोग का प्रकोप बहुत ज्यादा है, पैडी फॉल सिस्मेट का। हमने प्रोपिकोनोजोल, हेक्सोकोनोजोल और ट्रीटमेंट भी करके देख लिया, बट हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। मतलब 5-6% रिजल्ट मिलते हैं। लगभग 500 से 550 बीघा पिछले साल धान की फसल इससे प्रभावित हुई थी, प्रोडक्शन ना के बराबर था। ऐसे आप मान लो 2.5 से 3 क्विंटल प्रति बीघा आया था। तो हम इस पे कुछ राय जानना चाहते हैं सर आप। जी आप बोलोगे? हाँ पांडे जी। शुक्ला जी नमस्कार। फॉल्स स्मेट धान की एक प्रमुख बीमारी है। एक्चुअल में ये सीड बॉर्न बीमारी है, सीड के द्वारा फैलती है। आपको इसका तो मालूम है कि जब हम खेत में जाते हैं तो इसको हल्दी वाली कपड़े पीले हो जाते हैं। जी सर ना। हाँ ये बोल। तो इसका सबसे बेहतर इलाज यही है कि हम सबसे पहले सीड को चेंज करें। जो हम वेराइटी लगा रहे हैं वो हम वेराइटी चेंज करें, क्योंकि ये सीड बॉर्न डिसीज है। तो हम सीड चेंज करें और सीड ट्रीटमेंट हम करें। जी धन्यवाद सर। एंड वन थिंग सर। हाँ यस यस प्लीज। Actually, I am agribusiness professional. Okay. So, I think whatever company product catalog, it's a very fit to the oilseed crops. Okay, of course. Because like some part of Rajasthan and some part of Haryana, like Rewari, I had also worked at Rewari. Rewari district में मैंने काम किया है। तो oilseed purpose से अगर हम इस product को लेके जाएं, तो आई थिंक बहुत जल्दी हम एक अच्छा ब्रांड कंट्री लेवल पे बन सकते हैं। और दूसरी चीज मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में आप जल्द से जल्द आए, बहुत वेलकम है, हम पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। शुक्ला जी, जैसा हमने पहले भी बताया था कि हम ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में हम काम कर रहे हैं और हरियाणा पंजाब भी हमने अभी स्टार्ट कर दिया है। राजस्थान हम और छत्तीसगढ़ हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में हमारी प्रेजेंस है, हरियाणा में भी हमारी प्रेजेंस है, पंजाब में स्टार्ट अभी रिसेंट में हम किए हैं और छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान में हम स्टार्ट करने वाले हैं। इन केस ऑफ आपको कंपनी कैटलॉग हमारी वेबसाइट वगैरह पे आपको सारा मिल जाएगा, हमारे कैटलॉग्स वगैरह, हमारा यूनिट, हमारा सब कुछ जो भी आपको नॉलेज चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज। बट बाय द वे यदि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज राइट डाउन माई मोबाइल नंबर। प्लीज सर। कस्टमर केयर, आपको जो भी कैटलॉग वगैरह जो भी चाहिए आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए धन्यवाद देवेश जी। और कोई किसान भाई कुछ प्रश्न अगर करना चाहे पोषक प्रबंधन से तो आप आमंत्रित हैं, अदरवाइज हम लोग शुरू करें कृषि ज्ञान प्रतियोगिता।
तो साथियों अब मैं शुरू कर रहा हूं। आपसे मैं पहला प्रश्न ये कर रहा हूं कि जैसे कि हमारे वक्ताओं ने यहां जानकारी दी आपको महावीरा ज़ायरॉन के बारे में, तो धान में ज़ायरॉन का क्या डोज रिकमेंडेड है? ये मेरा पहला प्रश्न है। आप जो भी साथी जवाब देना चाहें तो वो पहले अपना रेज हैंड करें, उसके बाद मैं आपको आमंत्रित करूंगा। जी जी परमार जी, परमार जी जवाब देना चाहते हैं। हेलो, हाँ परमार जी। 150 केजी 1 एकड़। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी। 150 केजी 1 एकड़ में। 150 केजी सही है पांडे जी? यस यस, हाँ परमार जी का जवाब बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ परमार जी से, क्योंकि परमार जी बहुत अच्छे से मेरे ख्याल में इस वेबिनार से जुड़े रहे, तो ये आप इसका भी जवाब अगर आपको मालूम हो तो दीजिए कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं और कितनी मात्रा में। वो तो स्लाइड देखना पड़ेगी सर दूसरी बार। जो प्रमुख पोषक तत्व है वो पूरा नाम बताएं। मुकेश परमार जी, आपका मोबाइल नंबर बता दें परमार जी। 960 1717 1733 8 5 6 8 5 6। ओके धन्यवाद। तो आप अगर याद कर पा रहे हो कि कौन कौन से 5 पोषक तत्व हैं वो आप बताएं तो और अच्छा रहेगा। उसमें बोरोन आ जाएगा, जिंक आएगा, अपना फास्फोरस आएगा। जी ठीक है, बहुत करीब हैं आप। 2 और बता दीजिए। चलिए इस सवाल का जवाब मैं पुनः दे देता हूं। इसमें देखिए फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, जिंक है, बोरान। ठीक है सर, तो कई बार एक बार में नहीं याद रहता है। आपका प्लेस भी बताइए, किस जगह से बात करते हैं? मैं बड़ौदा गुजरात से बोल रहा हूँ। बड़ौदा गुजरात से। धन्यवाद। तो आपको क्या पांडे जी क्या उपहार स्वरूप दिया जा रहा है यहाँ पर, वो आप घोषणा करें। यहाँ पर उपहार स्वरूप जो हमने हमारा एमीट्रॉन का बात किया था, तो एमीट्रॉन का एक बोतल परमार जी को उपहार स्वरूप दिया जा रहा है, और वो हमसे बात करके हमारे बड़ौदा के डीलर के माध्यम से हम बात करेंगे बाद में और आपको वो भिजवाया जाए। ठीक है परमार जी, थैंक यू थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज ऐसा लग रहा है कि कुछ कम ही लोग ज्यादा धान की खेती में कुछ तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल या उतनी जितनी गहराई से आप लोगों ने सोयाबीन के सत्र को सुना था, उतनी गहराई से शायद आप धान का ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि 2-3 लोगों ने बाद में हाथ जरूर उठाए थे, लेकिन जब तक पांडे जी ने पूछ चुके थे और बता चुके थे जवाब। अब मैं अगला प्रश्न कर रहा हूं कि धान में जिरोन के साथ बोरोन के कितने किलो का उपयोग करना चाहिए? धान फसल में जिरोन के साथ में बोरोन का कितनी मात्रा में या कितने किलो में मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए? जी कोई साथी जवाब देना चाहेंगे? आज पांडे जी जरा प्रश्न कठिन हो गया है। ठीक है, उसको उसको थोड़ा सा चेंज कर दो। जी बताएं आप। मैं बहुत अच्छा, और प्रश्न को सरल कर देता हूँ। ठीक है, मैं इस प्रश्न को ऐसे कर देता हूँ, जीरोन पे ले जाता हूँ कि जो मैंने डीएपी वर्सेस जीरोन का कंपैरिजन बताया आप कि भाई एक बैग डीएपी, तो कितने बैग जीरोन और कितना यूरिया आपको लेना है, प्रश्न ये है, आपको ये बताना। तो आपका डोज 1 एकड़ के लिए बन जाएगा और उसमें आपकी 1500 रुपए की बचत होगी। कितने बैग जीरोन और कितना यूरिया?
जी आपका परिचय दें और आप अनम्यूट कर लें कि हम आपका नाम पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे एक साथी जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने रेज हैंड किया है, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। चलिए आप शिवम जी आप बताइए। हाँ साहब बताइए, आप जवाब दीजिए और अपना परिचय भी दे। हाँ जी मैं सर सिपोगी और ग्वालियर से बोल रहा। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी ग्वालियर से। हाँ हाँ जी बताएं। 150 किलो जी सर, 30 किलो यूरिया। फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाया हूँ, थोड़ा जोर से बोलिए। 3 बैग जीरोन प्लस 20 किलो यूरिया, 30 केजी यूरिया। ये एक बार लोग एक साथ बोल रहे हैं क्या? 150 किलो जीरोन के साथ 30 किलो यूरिया। हाँ ठीक है, आप बहुत करीब हो लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें गलती है, वो सुधारो आप। तो हमारे एक साथी और जवाब देना चाहते हैं, उनको ले लें हम। हाँ इनका थोड़ा सा जवाब गलत है। शिवम जी आप, शिवम यादव। हाँ शिवम जी आप बताएं। 3 बैग जीरोन प्लस 20 किलो यूरिया मिला के डालना है सर। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। आपका परिचय दे दें शिवम जी। जी सर मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिला से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई। आपका मोबाइल नंबर भी बोलिए। 6395। हाँ 6395886133। चलिए बहुत बहुत बधाई हो शिवम जी आपको, और आपको एक बोरान का पाउच मिलेगा जो आपको बता दिया जाएगा कहाँ से कलेक्ट करना। ठीक है, हमारा बोरान महावीरा बोरान आपको प्राइज में मिल रहा है। आपको निजी नजदीकी डीलर पॉइंट से उठाने के लिए बता दिया जाएगा, आपके पास कॉल आ जाएगा। अच्छा अब एक लास्ट प्रश्न मैं कर रहा हूं कि धान की फसल में बोरॉन का स्प्रे कितने दिनों बाद करना चाहिए या किस अवस्था में करना चाहिए, किस क्रांतिकारी अवस्था में करना चाहिए स्प्रे? एक मिनट शिवम जी, अभी आप थोड़ा सा कोई नए व्यक्ति जवाब देना चाहेंगे? शिवम जी ऑलरेडी जीत चुके हैं। ये देवेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी देवेश जी अनम्यूट कर लें। फ्लावरिंग के टाइम पे दे सकते हैं सर? जी बिल्कुल ठीक, 40 से 45 दिन पे। वेरी बिल्कुल ठीक है जवाब। चलिए देवेश जी आपका भी नंबर बता दीजिए आप। 9761 61 61 30 30 6616 6616। जी चलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। देवेश जी हैं कहाँ से, ये आपका प्लेस कौन सा? मैं सर बस्ती उत्तर प्रदेश से हूँ, ये गोरखपुर के नजदीक पड़ता है जिला हमारा। अच्छा ठीक है देवेश जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो, आपने प्राइज जीता है, आपको भी बोरान का एक पाउच मिलेगा क्योंकि आपका प्रश्न बोरान से संबंधित था, तो ये आपको जल्दी से जल्दी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और आपको फोन पे ये बताया जाएगा। तो मैं तीनों प्राइज फिर से एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, जो हमारे विजेता हैं ये मुकेश परमार जी हैं फर्स्ट, जो बड़ौदा से इन्होंने एमीट्रॉन का एक बोतल प्राइज में जीता है। शिवम यादव जो हैं जिन्होंने इटावा से जिन्होंने जवाब दिया बोरान के बारे में, तो उनको एक पाउच बोरान का मिलेगा। और देवेश शुक्ला जी जो कि बस्ती उत्तर प्रदेश से हैं, उन्होंने भी एक पाउच बोरान का जीता है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। तो तीनों प्रतियोगियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे ढंग से इस वेबिनार को सुना और पहली बार में ही वो चीजें कैच कर ली जो आपको आपके मतलब की थी। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों मैं आप सभी का
आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने जूम मीटिंग पर आकर इस वेबिनार को बड़े ध्यान से सुना। मैं अपने सभी फेसबुक के भी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अभी इस व्यस्तम समय में भी, क्योंकि मैं समझता हूं कि खरीफ की फसल और पानी इस समय सभी जगह गिर चुका है और सभी लोग हमारे साथी बोनी में भी काफी व्यस्त होंगे, तो आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आरएम फॉस्फेट की के सभी पदाधिकारी गण, जिसमें एसपी चौहान साहब, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूं, प्रमोद गुप्ता जी का भी धन्यवाद करता हूं और प्रमोद पांडे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, और हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो खरीफ की शुभकामनाओं के साथ अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसान सत्र में, कृषक जगत किसान सत्र में। और जो किसान भाई आज इस वेबिनार को देख रहे हैं वो अपने साथी गणों को भी शेयर कर सकते हैं इस फेसबुक लाइव पर, यह हमेशा स्थायी रूप से रहेगा। और आपको आगे भी कोई जानकारी चाहिए हो तो उसके कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न कर सकते हैं, तो मैं सभी पदाधिकारी गणों से बोलूंगा कि वो भी उसमें जाके जवाब दे सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। अरुण धाकड़ जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, किसान भाई हैं हमारे। जी अरुण जी, अरुण जी कुछ कह रहे हैं? जी सर। जी अरुण जी बताएं। सर मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे अभी वर्तमान में हमारे विदिशा जिले में सोयाबीन की बुवाई चल रही है सर जी, तो क्या हम इसको अभी उसके पहले खेत में बिकेर के ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दे सकते हैं क्या आपने इसको? किस फसल में देने की बात कर रहे हैं आप, सोयाबीन में या धान में? सोयाबीन में सर, सोयाबीन में। तो जो पिछला हमारा वेबिनार था कृषक जगत के साथ में अभी करीब 15 दिन पहले, जी सर, वो हमने सोयाबीन के लिए किया था जी। और बहुत उपयुक्त प्रश्न आपने किया है कि सोयाबीन की फसल में इसका उपयोग किया जा सकता है क्या, तो आपका आपने कितने दिन पहले सोयाबीन लगा दी? सर अभी सोयाबीन लगाई नहीं है, अभी आज और कल और परसों तक यहाँ पे बोनी, मतलब आज से शुरुआत हुई है, तो हमारे पास क्या है फर्टिकम सीड ड्रिल नहीं है जो कि खाद और बीज अलग वाली, तो हम क्या सोच रहे हैं कि इसको ऊपर से जैसे खेत में जुताई के समय ब्रॉडकास्टिंग करके और उसके ऊपर से अपन बुवाई कर सकते हैं क्या? तो सोयाबीन की फसल में आपको 3 बैग जीरोन के लेने हैं और उसमें जी हाँ 3 एकड़ के, जैसे आप बीघे के हिसाब से अगर कहोगे तो 2 बैग बीघे में आपको 2 बैग लेने हैं 1 बीघे में जीरोन के, और उसमें आपको 15 से 16 किलो आपको पोटास मिलाना है, और ये मिला के आपको पहले ही जैसे आप ब्रॉडकास्ट कर दें और उसके बाद सोयाबीन का बीज बो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है, तो जब आप सोयाबीन उग जाए तो एक छोटी सी मात्रा एकड़ के पीछे आपको 8 से 10 किलो यूरिया का देना है जब उग जाए, जी उगने सर, के तुरंत बाद देना है। सोयाबीन चूंकि दलहनी फसल है तो उसमें क्षमता है उसकी जड़ों में कि वो नाइट्रोजन खुद बना लेगी, लेकिन उस प्रक्रिया वो प्रक्रिया 20 से 25 दिन पे शुरू होती है, तब तक के लिए नाइट्रोजन का पार्ट आपको यूरिया के माध्यम से देना है। लेकिन आप नोट कर लें कि ज्यादा यूरिया आपको नहीं देना, नहीं तो फसल आपकी खराब होगी। ऐसा प्रश्न ये था, जैसे अभी सर ये बीघा में नाइट्रोजन जैसे यूरिया से देते हैं जो 18-46 है ग्रेड वाला, तो उसमें बीघा के हिसाब से कितनी बीघा में कितने किलो यूरिया देना है सर? बीघा में 8 से 10 किलो यूरिया देना है जहाँ पे जीरोन डालोगे, जहाँ पे आप 18-46 डाल रहे हो वहां पे देने की आवश्यकता नहीं है। जी सर जी, जहाँ पे जीरोन, अभी समझ लीजिए आप, जहाँ पे आप जीरोन डाल रहे हैं क्योंकि जीरोन में 5 पोषक तत्व है, उसमें नाइट्रोजन नहीं है जी, तो सर आपको नाइट्रोजन थोड़ा सा अलग से देना। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है, बहुत ही सही प्रश्न था आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सर, आपका धन्यवाद। अरुण जी सोयाबीन की तैयारियों में लगे हुए थे, शायद थोड़ा लेट हमारे सत्र को उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक, धन्यवाद अरुण जी। और मैं एक बार फिर पुनः अपने सभी साथियों का, आरएम फॉस्फेट के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सचिन जी, सब लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।